बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। टेस्टी किचन एसए में खुशामदीद। व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं भिंडी फ्राई मसाला। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि भिंडी की जब ख़रीदारी की जाए तो भिंडी किस तरह की ली जाए। ये मैंने अलग से दो तीन भिंडियाँ निकाल के रखी हैं। एक तो इनका कलर जो है वो लाइट ग्रीन होता है, ये सख्त होती हैं। ये देखिए, जैसे कि आपको आवाज़ आ रही होगी, ये देखिए, ये बिल्कुल सख्त है ये। तो आप इस किस्म की भिंडी ना ख़रीदें। और इसके अलावा ये कि ये मुड़ी हुई भिंडी है, ये भिंडियाँ भी आप मत ख़रीदें, क्योंकि इनमें अक्सर आम तौर पर ये होता है कि इनमें कीड़ा मौजूद होता है। ठीक है जी, भिंडी की जब भी ख़रीदारी करें तो आप ये देखें कि भिंडी नरम व नाजुक हो और साइज़ उसका नॉर्मल हो। यानी कि जितनी बड़ी आपको भिंडी मिलेगी वो डेफ़िनेटली या तो बहुत ज़्यादा पकी हुई होगी या ख़राब होगी। दरमियाने साइज़ की और छोटे साइज़ की भिंडी हमें चाहिए। तो ये अब हमारे पास भिंडियाँ मौजूद हैं, और क्वांटिटी की अगर बात की जाए तो ये एक किलो है। अब मैं आपको जितने भी मसाला जात बताऊँगी वो एक किलो के हिसाब से बताएंगे। और उससे पहले ये कि मैंने भिंडी को बहुत अच्छे तरीके से दो तीन पानियों में मैंने इसको वॉश की है, रगड़ रगड़ के इसको हाथ से धोया है, क्योंकि भिंडी एक ऐसी सब्ज़ी है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्प्रे किया जाता है। तो घर लाने के बाद आप इसको अच्छी तरह से ख़रीदें, सॉरी ख़रीदना कह रही हूँ, आप इसको अच्छी तरह से धोएं, और धोने के बाद आप इसको किचन टॉवल की मदद से या कोई और साफ़ सुथरा कपड़ा ले लें। आप इसको धोने के बाद इसको खुश्क कर लें। खुश्क होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुश्क नहीं करेंगी तो जब आप इसकी कटिंग करेंगी तो उसमें लेस आ जाएगा, जो कि भिंडी में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो मैं इनको धोने के बाद मैंने इसको किचन टॉवल पे फैलाया। चाहे आप पंखा चला लें या किसी भी तरीके से इनको खुश्क कर लें, लेकिन खुश्क करना ज़रूरी है। अब मैं इसको खुश्क कर चुकी हूँ। अच्छा, अब इसकी कटिंग कैसे करेंगे कि हमें इसकी ये कैप को अलग करना है और पीछे से हमें इसकी नोक को अलग करना है, और उसके बाद हम इसको इतने पीसेस में काटेंगे। ये देखें, ये एक बहुत ही मुनासिब साइज़ है ये। अब मैं क्या करती हूँ कि इन तमाम भिंडियों की मैं पहले कटिंग कर लेती हूँ। जी, ये देखें कि मैं तमाम भिंडी की कटिंग कर चुकी हूँ, और जैसे कि ये आपके सामने ही है कि मैंने इनको, अगर बड़ी भिंडी थी तो दो तीन मैंने इनके पीस बनाए हैं, छोटी थी तो उसको मैंने एक ही रहने दिया है। तो ये अब बिल्कुल मुनासिब साइज़ में भिंडी हो गई है, और अब चलते हैं भिंडी के फ्राई करने के लिए। जी, हमने एक कप कुकिंग ऑयल का लिया है और मैंने इसको गर्म होने रख दिया। जी, कुकिंग ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। एक कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, और इसमें हम भिंडी को फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम भिंडी को इसमें हम फ्राई करेंगे। और फ्राई हमने ऐसे करना है कि आँच थोड़ी सी तेज़ रखनी है, ना तो ये कि इसका सब्ज़ रंग थोड़ा सा रहे, बल्कि ये थोड़ी सी ब्राउनिश की तरफ इसका शेड आ जाए। बिल्कुल सयाह नहीं करनी हमने, ना ही इसके कलर को ख़राब करना है हमने, बल्कि थोड़ा थोड़ा सा इसका ब्राउनिश शेड आ जाए उतना हमने इसको फ्राई करना है। जी, एक दफ़ा तमाम ऑयल के साथ भिंडी को हम मिला देते हैं अच्छी तरह, ताकि ये तमाम जो है इनके ऊपर ऑयल का कोट भी हो जाए। अच्छा, फ्राई करने के दौरान हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि वक्तन फ़क्तन इसको हम हिलाते रहेंगे, ताकि हर तरफ से भिंडियाँ यकसर तौर पर फ्राई हो जाए। और आँच जो है वो मीडियम से थोड़ी सी तेज़ है, तेज़ आँच के ऊपर ये फ्राई होंगी। ये लें जी, मैंने इनको तमाम को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, और अब इनको थोड़ी देर हम छोड़ते हैं ताकि ये फ्राई हो सके। जी, भिंडी को हमने फ्राई होने के लिए रख दिया था, और अब ये देखें कि थोड़ा थोड़ा सा इसका कलर जो है वो तब्दील होना शुरू कर दिया है। और वक्तन फ़क्तन मैं इसको हिला भी रही हूँ ताकि ऊपर से नीचे आ जाए और नीचे से ऊपर चली जाए और हर तरफ से ये फ्राई हो सके। तो अभी इसको मज़ीद फ्राई होना है। जी, भिंडी फ्राई हो रही है और इसका कलर तब्दील होना शुरू हो गया। ये देखें, मैं नीचे से निकालती हूँ इसको, ये देखें ब्राउन ब्राउन होना शुरू हो गया, लेकिन अभी थोड़ा सा शेड इसके ऊपर और ब्राउन का आएगा, तो उसके बाद फिर हमारी इसकी फ्राइंग कंप्लीट हो जाएगी। अभी इसको और फ्राई होने। जी, भिंडी फ्राई हो रही है और बहुत प्यारी हो रही है। ये देखें कि कहीं सब्ज़ और कहीं ब्राउन का शेड बहुत खूबसूरत लग रही है। आप इस तरीके से ये भिंडी को बनाएंगी तो कभी भी आपकी भिंडी में लेस नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। तो जी, जितना हमें फ्राई करना था हम कर चुके हैं, और अब मैं इसे बाहर निकालूँगी। फ्राई हो चुकी है ये,
जी भिंडी को हम निकाल चुके हैं और अब ये जो ऑयल हमने जिसमें हमने भिंडी को फ्राई किया था इसी ऑयल में हम प्याज को फ्राई करेंगे। और प्याज जो है ये मैंने बारीक स्लाइस किया है और तकरीबन ये मेरे पास है 1 kg ही प्याज, क्योंकि इसमें प्याज ज़्यादा डलता है भिंडी फ्राई मसाला में। तो ये मैंने 1 kg प्याज लिया और इसको मैंने स्लाइस कर दिए। इसी ऑयल में हम इसे फ्राई करते हैं। एक दफ़ा कुकिंग ऑयल के साथ सब प्याज़ों को मिक्स कर दें और ये भी तेज़ आंच के ऊपर फ्राई होंगे। आंच को हल्का नहीं रखना है बल्कि मीडियम से हाई फ्लेम ही होगा। तो अब हम इसे फ्राई करते हैं। जी प्याज ब्राउन हो रहे हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनमें कलर आना शुरू हो गया, लेकिन हमें इनको बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा सा कलर हमें इसका और चाहिए, अभी लाइट ब्राउन या गोल्डन ब्राउन कलर बिल्कुल। तो अभी थोड़ा सा हम इसको और फ्राई करेंगे। जी प्याज जो है लाइट ब्राउन हो गया है, इससे ज़्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना है। और अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। बहुत ही थोड़े मसाले इसमें इस्तेमाल होंगे लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनेगी इंशाल्लाह। ये देखें कि मैंने इसमें डाला है 1 tablespoon ज़ीरा, 2 tablespoon मैंने इसमें शामिल कर दिया है लाल मिर्च पाउडर और 1 tablespoon ही मैंने इसमें शामिल किया है नमक। ये 3 अज्जा मैंने शामिल किए हैं और इसके अलावा मुझे अब और कुछ शामिल नहीं करना है, ज़ीरा नमक और मिर्च। एक दफ़ा इन तमाम चीज़ों को यकजान कर दें। थोड़ी सी देर इन तमाम मसालों को प्याज के साथ हम भूनेंगे। मसाले फ्राई हो चुके हैं और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटर। टमाटर 1/2 kg मैंने टमाटर लिए हैं और इनको मैंने बारीक स्लाइस किया है। और ये सारा काम तेज़ आंच पर ही हो रहा है, मीडियम से हाई फ्लेम पर। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्याज का पानी जो था वो निकला नहीं है बल्कि साथ साथ ही वो खुश्क होता गया है। और इसी तरह से अब टमाटर को हमें मीडियम से हाई फ्लेम पे थोड़ा सा फ्राई करने हैं थोड़ी सी देर, जब तक के टमाटर थोड़ा सा डी शेप हो जाए। जी टमाटर भी मैंने डाल दिए थे और अब टाइम है कि हम अपनी फ्राई भिंडी इसमें शामिल करें। तो ये अब मैंने शामिल कर दी इसमें फ्राई भिंडी। एक दफ़ा इसको हम मिला देते हैं। मिलाने के बाद सिर्फ 1 या 2 मिनट इसको तेज़ आंच पे रखें, जब तक कि बस आप ये मिक्स कर रही हैं। इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद बस जी अब हमें आंच को मीडियम से कम कर देने, इसको हम दम पे रखेंगे क्योंकि भिंडी फ्राई तो थी लेकिन भिंडी को अभी गलना है। तो मैं इसको मीडियम से भी कम आंच पे रख रही हूँ और इसको मैं कवर कर दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से दम पे आ जाए। अच्छा जी भिंडी को हमने दम पे रख दिया था और साथ ही मैं इसमें कुछ लाल और कुछ सब्ज़ कटी हुई मिर्चें शामिल कर रही हूँ। चलेगी, बस 1 मिनट के लिए इसको ढकेंगे और उसके बाद मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसको हम करते हैं डिश आउट। जी अल्हम्दुलिल्लाह टेस्टी किचन SA की भिंडी मसाला फ्राई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखें किस कदर खूबसूरत माशाल्लाह लग रही है, कलरफुल बहुत ही ज़्यादा और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको डिश आउट करते हैं हम।
जी भिंडी फ्राई मसाला बिल्कुल तैयार है और आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी, बहुत मज़े की लगेगी। इसके साथ ही आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखें, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें, ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ो निगहबान।